Do you believe me? That I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? That I'm a lonely soul? Would you love me? सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली हमारी मॉर्निंग आ चुकी है, अभी हम लोग निकलने वाले राइड पे, क्योंकि एक्चुअली तुमको बताना चाहूँगा 5:30 बजे से हम लोग उठ के बैठे, 5:30 बजे सब सॉर्टेड है, मगर बारिश अभी जाकर एकदम क्लाइमेट खुल गया है, तो बोले अभी निकलते। तो हियर वी गो, मानसून सीरीज अभी चालू हो रही है, तो ब्लॉग में बने रहो। तो टैंक फुल करके हो गया, सब हो गया, अभी राइड हमारी चालू हो गई है। तो राइड का सबसे पहला अपडेट, राइड हम लोग स्टार्ट करें मार्शल्स घाट से, अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, मार्शल्स घाट निकलेंगे, मतलब क्या है, निकल चुके हैं ऑलरेडी। नसीब अभी तक तो साथ दे रहा है, क्योंकि बारिश अभी तक मिली नहीं है, मगर फिर भी हम लोग पहले रेनकोट वगैरह कैरी कर चुके हैं, मतलब वेयर करके बैठ गए, सब लोग वेयर करके बैठ चुके हैं रेनकोट वगैरह। ऐसे अगर चिल क्लाइमेट रहेगा ना तो भाई ये राइड बहुत सॉर्टेड जाएगी। हाँ, भले आगे जाके बारिश तो मिलने वाली उतना तो कन्फर्म है, मगर एटलीस्ट स्टार्टिंग में नहीं मिलना चाहिए यार, फिर स्टार्टिंग से पूरा चिक चिक हो जाता है। लोकेशन अपडेट दे देता हूँ, अभी शायद हम लोग बदलापुर के आसपास है या उसके आगे, वो भी नहीं मालूम। और बीच में अच्छी खासी बारिश मिली, इसके लिए बीच में कोई शूट ही नहीं किया, गोप्रो निकाल के रख दिया था, मगर इधर तो धूप गिर रही है, मतलब एक मिनट के लिए कभी धूप आ रही है, एक मिनट के लिए बारिश आ रही है, और जो बारिश आ रही है वो ऐसी गंदी वाली आ रही है ना, कसम से फटके में बिगाड़ेगी सबको। ये क्या है, बदलापुर, हाँ बदलापुर लग रहा है कि इधर मिलने वाली है बारिश अभी, क्योंकि आगे पूरा क्लाउड क्लाइमेट है। और अभी देखो मैं अपना टैंक बैग का ऊपर का हटा दिया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो कवर डाला था मेरे को फिर फ़ोन के लिए कुछ दिख नहीं रहा था, और लो हल्की हल्की बारिश चालू भी हो गई। और इसके आगे अभी बारिश रहेगी, क्योंकि घाट वाला सेक्शन चालू हो जाएगा, मार्शेज आ जाएगा, तो अभी तो बारिश चालू ही रहेगी। क्या बेकार रोड है यार, और इसके साथ बारिश फिर से चालू हो गई, अभी टैंक बैग को फिर से कवर करना पड़ेगा, चेंज पॉकेट यार बहुत गंदा आवाज़ है यार, लिटरली इसको जाने के साथ मैं पहले चेंज करने वाला हूँ। आई होप कि अभी हम लोग सिटी एरिया से तो निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत ट्रैफिक लग रहा था, और ओप्रो अंदर डालने का टाइम आ गया। क्या सीनिक रोड है यार, देखो प्योर नेचर, बस इधर बारिश लग रही है यार, बस हम लोगों ने हमारा सामान तो पूरा पैक कर लिया, अभी बस मेरा जो टैंक बैग है उसका मैं कवर नहीं लाया, वो बीकते चल रही है, तो सोच रहा कुछ जुगाड़ कर लूँ, कुछ प्लास्टिक या ऐसा कुछ लेके ना उसको कवर कर देता हूँ, क्योंकि उसमें ही मेरा DSLR है, और उसको भिगाना नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? दिया ही नहीं, भूल चुका था मैं, ये रोड ट्रिप पे हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, दोनों भी CDN पे थे और दोनों भी आर RR310 पे निकले हम लोग। आप लोगों ने जो लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर दे रहे ना, वो लोगों ने तो देखा होगा कौन कौन जा रहा है हम लोग, और जो लोगों ने नहीं देखा, अभी ब्लॉग में अभी 3 दिन का सफ़र है, 3 दिनों में देखते रहोगे आप लोग कौन है साथ में। तो एज मैं और अब से ही निकले हैं,
और अक्षय ने जो इस बार सागर के आराम लिए, दोनों भी ब्लैक ब्यूटी लिए, बस मेरा मैट है उसका शाइनिंग है। तो अभी हम लोग जो ब्रिज पर थे वो था बारवी रिवर का, और अभी हम लोग आगे से आ गए हैं बारवी डैम के नज़दीक, मैप तो यही बता रहा है। देखते हैं अभी क्या रूट से जा रहे हैं हम लोग। वो जो क्लाइमेट ठंडा और सीनिक है ना यार, क्या बोलूँ, बस थोड़ा बारिश से किचकिच लग रही है क्योंकि अभी इधर कंटिन्यू चल रही है बारिश। क्या रोड है यार ये, मस्त। मुरबाड़ 3 किलोमीटर, ओके मुरबाड़ तक पहुँच गए इसका मतलब है हम, और बस 3 किलोमीटर बाकी है हाईवे टच करने के लिए। अभी टाइम का अपडेट दे देता हूँ आपको, अभी हुआ है 9:27, मतलब हम लोग राइड करके 2 घंटा हो चुका है, और हाँ 2 घंटा तो बराबर हुआ, हम 7 के आसपास उसको निकले थे, और बीच में फ्यूल अप ये सब करने के लिए भी टाइम गया था, तो प्रॉपर राइड तो 2 घंटे से हम लोग ने की है। हाँ अभी लग रही है भूख, और सभी को भूख लग रही है, तो अभी रुकने का सोच रहे हम लोग, क्या कहीं तो रुक जाते। वैसे हम लोग टिफ़िन लाए थे मगर रुकते हैं, भूख लग रही है अभी। और ये क्या क्लाइमेट हो चुका है, अभी धूप आ रही है। अभी बीच में धूप आ रही है, बीच में बारिश हो रही है। फाइनली यहाँ पे हम लोग ने नाश्ता करने का सोचा है, आई होप इधर अच्छा खासा नाश्ता मिल जाए। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग का हो गया, और अभी फिर से राइड कंटिन्यू कर रहे हैं, और नसीब भी कितना देखो हमारा कैसा है। मैंने अभी बस झोल किया उसके लिए, पूरा टैंक बैग भीग रही है, उसको प्लास्टिक वगैरह लगाया, और बारिश बंद हो गई और एकदम कड़ी धूप आ गई है। वाव, लास्ट सीज़न का कुछ बोलते हैं ना, क्लाइमेट कुछ भी भरोसा नहीं दे सकता आज उसका। और मार्शेस अभी भी यहाँ से 47, मतलब ऑलमोस्ट आ गया, अभी 1 घंटे का रास्ता है बस। और हम लोग अगर फ्लो में आ गए तो 1 घंटे को आधे घंटे में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। और अभी रोड ही ऐसा है, फ्लो में हम नहीं आएंगे, रोड हमको खुद लेके आएगा फ्लो में। और फिर जो कॉर्नरिंग और जो बाइक चलेगी ना भाई, नेक्स्ट लेवल चलेगी। भाई साहब गाड़ी भगाने में जो मज़ा आ रही है ना, जो रोड है ना, क्या नेक्स्ट लेवल है, और क्या कॉर्नर करने मिल रहा है इधर। अभी तक तो प्रॉपर मार्शेस चालू होना है, और ये धूप कैसे गिर गई क्या मालूम, अच्छा क्लाउडी क्लाइमेट था वो सही था, और ये भी मौसम में आ गए तो हम कैसे पीछे रहेंगे। अब हुआ है घाट चालू, कितना है भीड़, नांदेड़, ओके क्या टर्निंग है यार। और वो देखो मार्शेस जैसे नज़र आने लग गया है अभी, आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को गोप्रो में दिख रहा होगा, मगर सामने देखो पूरा मार्शेस का लाइनअप दिखने लग गया है। और क्या ही प्यारा रोड है यार, गाड़ी 100-120 के नीचे लाने का मन ही नहीं कर रहा है रोड पर, क्या सही गाड़ी लीन हो रही है इधर। बीच में एक हादसा हमारे साथ ये हो गया,
कि हम लोग ब्रेक के लिए रुके थे और मेरे को मालूम नहीं मेरा माइक किधर रह गया। वो तो मेरा बोलते ना नसीब अच्छा था कि मैं स्टेफनी में हमेशा माइक लेके चलता हूँ, क्योंकि जब गोवा में था तब को जो लोगों ने मेरा गोवा सीरीज देखी उनको पता रहेगा कि मेरा माइक गायब हो गया था। क्या हो रहा है मरगढ़? क्या आवाज़ था ये? ए, क्या किसका आवाज आ रहा था? नट गिर गया क्या इसका? कुछ भी नहीं, आवाज कैसे आ रहा था फिर? क्या लूज हुआ मगर? अपना ही था ये, देख ये लूज है। हाँ ये लूज है। क्या एक से एक शॉट हो रहे ले यार। मड़गाड़ लूज हो गया है। चल चल कोई सीन नहीं, चल। नहीं अभी नहीं आ रहा है ना? क्या आज मड़गाड़ का बोल लूज हो गया था, दो मिनट के लिए टेंशन आ गया, बोला ये क्या सीन है ना। और ये हो गया हमारा मार्शेस चालू। हो वॉट अ व्यू यार, क्या देखो कितने सारे वाटरफॉल गिर रहे थे, लिटरल यार मार्शेस हेवन है यार। आने के लिए चेक नाका है, मतलब जो लोग भी आने का सोच रहे भाई बाइक के डॉक्यूमेंट सब लेके आना, सेफ्टी के हेलमेट एंड ऑल सब लेके आना, क्योंकि चेक नाका लगा है। हम लोग सुबह से दो जगह पे चेक नाका मिला, जहाँ पे एक जगह पे तो हमको साइड में लेके रुका के हमसे पूछा भी गया, सब डॉक्यूमेंट चेक भी किए गए। उसके लिए आ रहे हो तो सब डॉक्यूमेंट लेके जाओ। और जैसे ही इधर मार्शेस के एकदम नज़दीक आ गए, बारिश चालू हो गई है हल्की हल्की, और उधर तो क्या बड़ा वाला वाटरफॉल है, आपको दिख रहा ही नहीं होगा इसमें, क्या प्यारा जगह है यार ये। रुकने का क्या इधर? कहाँ लगाने की गाड़ी? तो मार्शल घाट में हम लोग आने के बाद फुल एक बोलते हैं ना एक गांव का परिवार था, हम लोग को लगा उधर सिनेमैटिक शूट करने लायक, तो हम लोगों ने सबने फोटोज़ निकाले, उनका काम भी हमने शूट किया। हमारे में से भी दो खेती करने वाले लोग निकले, वो लोग भी उधर चावल लगाने में लग गए, तो बहुत सही एंजॉय किया। और अभी बारिश चालू हो गई तो अभी जा रहे साइड में और फुल एंजॉय हो गया। फोटो शूट हुआ मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पर, तुमको सबके मैं इंस्टा आईडी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना एक बार, बहुत सही शूट हुआ है। चलो हम लोग लगभग दो घंटे से इधर रुके, नाश्ता चाय जितना हो सके उतना खा खा के इधर ही रुके, क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है, और लास्ट में डिसीजन लिए कि निकलते हैं अभी। बाकी क्या व्यू है यार ये, क्या ही व्यू है। क्या व्यू है यार, हाँ पूरा फॉग।
GoPro, जब तक बारिश हल्की है तब तक मैं बाहर रुकूंगा, उसके बाद GoPro भी अंदर डालना पड़ेगा। इसके लिए जब तक हल्की है तब तक कर रहा हूँ शूट। अभी तो मार्शल्स का मेन पॉइंट करना है। आगे सीधे से अभी बस 9 या 10 किलोमीटर रहेगा, और हम लोगों ने एक जगह का ब्रेक हमारा जो लिया वो 2 या 2.5 घंटे का लिया है। पूरा वसूल फुल उन लोगों के साथ हम लोगों ने खेती की इधर, मतलब ग्रुप वाले तो भाई ऐसा फील कर रहे थे जैसे इधर ही रहने आ गए वो लोग। सोचो एक होटल में हम लोगों ने बस 2.5 घंटे निकाले, वो भी बस चाय भजे यही खाने में। और जैसे जैसे बारिश गिर रही इतना फॉग आ रहा है ना, कसम से बोल रहा हूँ। अपने बीच पे ये सड़ेला पैच किधर से आ गया क्या पता, पूरा पॉटहोल वाला रोड है ये, एक्चुअली रोड है भी नहीं ये। क्या फॉग आ गया यार पूरा, ऊपर से ये एंटी फॉग जो बोलते हैं यार, और स्क्रैच प्रूफ वाइजर लिटरली यार, इतना भी प्रैक्टिकल नहीं है ये। क्योंकि पूरा देखो मेरे वाइजर के पास, आप लोगों को अभी मैं बता तो नहीं पाऊंगा ये, मगर मेरे वाइजर के ऊपर है ना पूरा ड्रॉप्स रुक गए, जिसका मतलब स्क्रैचेस में पानी रुक रहा है। इसका यही मतलब है स्क्रैच प्रूफ तो नहीं आ रहा, ये तो बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है स्क्रैच तो आएगा ही आएगा यार। ये आया हमारा मार्शेस, मेन पॉइंट आया मार्शेस का। शिट क्या फॉग है यार, कुछ भी नहीं दिख रहा इधर। और मैं GoPro पे बहुत रिक्स ले रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है अभी। देखो ये मार्शेस का फॉग, लिटरली मैं वाइजर ओपन करके बाइक चला रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा वाइजर में से अभी। अब मेरा वो प्रोडक्ट काम आ रहा होगा पीछे से, जो ब्लिंकर मैंने लगाया वो अभी काम आ रहा है। क्या वाटरफॉल ही वाटरफॉल है यार, हर जगह पे बस वाटरफॉल है। ये है रियल ब्यूटी ऑफ मार्शेस। ओके इतना रोड तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, बस इतना बाकी है, इसके लिए ये रोड की हालत है। फिलहाल इधर रुकना मतलब
सो फाइनली वी आर एट मार्शेस घाट और क्या व्यू है यार। और ऐसे व्यू में ये मक्का खाने का अलग मज़ा है। लिटरली हमारे मुंह से भी इतना फॉग ही निकल रहा है पूरा, इतना ठंडा क्लाइमेट हो चुका है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, पूरा फॉग। अभी ये ब्लॉग को इधर ही एंड करना चाहिए। बहुत सही क्लाइमेट है, बहुत सही, मगर मेरे को नहीं लगता गोप्रो अभी इससे ज़्यादा बारिश सहन कर पाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश चालू हो गई है। और लिटरली मैं हाथ बोलते हैं ऊपर से हाथ कवर करके चल रहा हूँ। बहुत सही जगह थी यार, बहुत सही। तो ये तो बस फर्स्ट एपिसोड था इस राइड का, जो सीरीज हम चालू कर रहे हैं उसका तो फर्स्ट एपिसोड था। तो सोचो अभी और कितना घूमना बाकी है, 3 दिन है और ये उसमें से पहले दिन था। सो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय द लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।